हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी। आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। जॉब जो है TNPSC द्वारा निकाली गई है। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का जो डेट है 8 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट 8 दिसंबर 2019 है, तथा ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन की डेट जो है 10 दिसंबर 2019 है और इसका रिटर्न एग्जाम जो है 11 जनवरी 2020 को होगा। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ट्रांसलेशन की वैकेंसी है। वहीं पर अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन तमिलनाडु है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 5 वैकेंसी है और सैलरी की बात करें तो 36,400 से 1,15,700 है। लेवल 6 का पे स्केल है। वहीं पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए हिंदी या फिर तमिल के साथ, और अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये है। वहीं पर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है। वहीं पर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा और ओरल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। टोटल पेपर जो है 500 नंबर का होगा। वहीं पर मिनिमम क्वालिफिकेशन SC, SCA, ST, MBC, BCA और BCM के लिए 150 नंबर है। वहीं पर बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 200 नंबर है। अगर पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन हेयर पे क्लिक करेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर जनरल गाइडलाइन दी हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।